हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक हंटर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोन आयन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ OH बॉन्ड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ CO बॉन्ड ऑफ अल्कोहल। लास्ट वीडियो में हमने OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी पढ़ी थी, इस वीडियो में हम CO बॉन्ड की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ रिएक्शंस के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो COH बॉन्ड है उसमें जो ये OH है वो बैड लिविंग ग्रुप है, तो वो अच्छे तरीके से लिव नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको OTS OBS में कन्वर्ट करके उसको गुड लिविंग ग्रुप में बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो COH है उसको हम CCl बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए कुछ रिएजेंट है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल PCl5, PCl3, SOCl2 एंड HX। ओके, HX ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करूँगा तो RCl हेलो एल्केन मिलेगा और उसके साथ POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl मिलेगा। अगर मैं ROH अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करवाता हूँ तो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे 3RCl प्लस H3PO3। अल्कोहल की SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो प्रोडक्ट मिलेगी RCl हेलो एल्केन प्लस SO2 प्लस HCl। अगर मैं अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग एसिड HX के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे मिलेगा RX प्लस H2O। तो ओके, तो लास्ट वीडियो में जैसा हमने देखा था कि इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वो देखते हैं एक क्वेश्चन के मदद से। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें दो OH ग्रुप है और मेरी रिएक्शन होती है HX की 1 इक्विवेलेंट से। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो OH कौन से बॉन्ड पे ये रिएक्शन देगा वो देखेंगे। तो देखिए, ये जो OH है इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप है और इसके पास 2 है, तो ये क्या होगा, यहाँ से 2 अल्काइल ग्रुप की प्लस आई इफेक्ट लगेगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप की प्लस आई इफेक्ट लगेगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज होगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ से इस ये जो OH है वो ज़्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू दिस OH। तो जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर आएगा और ये OH है वो OH2 प्लस में कन्वर्ट होगा और यहाँ से निकल जाएगा, और निकलने के बाद यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटायन जनरेट होगा जो कि बहुत स्टेबल है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो X माइनस होगा वो टर्शरी कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, तो ये होगी हमारी प्रोडक्ट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम एसिडिटी एंड बेसिसिटी के कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं एसिडिटी HX की। तो फ्रेंड्स, सपोज मेरे पास कोई HX एसिड है, उसकी मैं बेस से रिएक्शन करवाता हूँ, तो फिर क्या होगा, जो ये बेस होगा वो प्रोटॉन पे अटैक करेगा और कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा और X माइनस मिलेगा प्लस BH मिलेगा। तो यहाँ पे जो HX है उसकी एसिडिटी X माइनस पे डिपेंड करेगी। कैसे, देखते हैं। देखिए, ये मेरा एसिड है, ये मेरा बेस है। एसिड से जो बनेगा उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेटेड बेस, और जो बेस से बनेगा उसे बोलेंगे हम कॉन्जुगेटेड एसिड। तो जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो इतना ही इजीली H प्लस को छोड़ देगा, वो अपने पास नहीं रखेगा। तो जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा वो एसिड। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस जितनी ज़्यादा उतनी HX की एसिडिटी ज़्यादा। ओके, और इन अदर वे वी कैन से कॉन्जुगेट बेस जितना वीक उतना एसिड स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इस आधार पे हम किसी भी एसिड की एसिडिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए, जो हमारे पास HX है उसमें जो हमारे हाइड्रोजन हैलाइड है उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करते हैं। तो देखिए, मेरे पास है FClBri, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। वो स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि आई माइनस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल
उतना ज़्यादा उसका एसिड स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड कौन होगा? HI, फिर उसके बाद HBr, उससे कम HBr, फिर उससे कम HCl, उससे कम HF। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ PCl5, और सॉरी रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ PCl5। देखिए ये जो मेरा है एनहाइड्रेट है, उसकी रिएक्शन में अगर PCl5 से करवाता हूँ तो मेरी प्रोडक्ट क्या बनेगी? RCOCl, मतलब ये जो लिविंग ग्रुप है वो दूर होगा और उसकी बजाय कौन आ जाएगा? Cl-। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो लिविंग ग्रुप है उसकी बजाय कौन आ जाएगा? Cl-, और यहाँ पे जो OH है उसके बजाय कौन आ जाएगा? Cl-। तो इन शॉर्ट जो लिविंग ग्रुप होगा वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली हम देखते हैं एल्डिहाइड की PCl5 से रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा? Cl अटैक करेगा, OH निकल जाएगा, यहाँ से OH हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा Cl उस OH को रिप्लेस कर देगा। तो इन शॉर्ट एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, वो रिप्लेस होगा दो Cl से। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे दो Cl ने ये जो ऑक्सीजन था उसको रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? वो PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो दोनों Cl ऐड हो गए और जो डबल बॉन्ड O है वो दूर हो जाएगा। और यहाँ पे अल्कोहल की PCl5 से साथ रिएक्शन करवाएंगे तो OH है वो RCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी PCl5 के साथ रिएक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये कंसेप्ट हम कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ओके, तो देखिए ये जो है मेरा sp हाइब्रिड कार्बन है, ये देखिए ये जो है sp2 हाइब्रिड कार्बन है, और ये जो है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन है। देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होगी, तो एसिडिटी भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक 1, then 2, then 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो 3-member ring है, 4-member ring है या 5-member ring है, इसमें जो HA, HB, HC, इनकी एसिडिटी क्या होगी? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो स्मॉलेस्ट रिंग होगी, मतलब कि रिंग की साइज जितनी कम होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? 3-member ring। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट और उतनी ज़्यादा एसिडिटी। तो यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा? 1, 2 and 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो 3 है इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? तो देखिए यहाँ पे जो HA होगा वो HA की दूर होने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो एक फिनाइल रिंग में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग में रेजोनेंस होगा, और यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग में ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर घूम सकेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होगा, तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3, 2 and 1। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है HA, HB, HC, देखिए यहाँ पे जो HA है उसमें क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो देखिए वो माइनस आई इफेक्ट होगी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट एंड ये जो मिथाइल ग्रुप है उसकी प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इंक्रीज होगी, फिर यहाँ से निकल जाएगी तो यहाँ पे डिक्रीज होगी, और यहाँ पे क्या होगा कि जो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे रेजोनेंस भी है एंड यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि प्राइमरी कार्बन है उस पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे प्राइमरी भी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ए, देन बी, देन सी। यहाँ पे बी ज़्यादा है सी से, क्योंकि यहाँ पे बी रेजोनेंस, जो बी से जो एनायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसलिए यहाँ पे HB ज़्यादा एसिडिक होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एसिडिटी ऑफ 14, 15, 16 and 17 ग्रुप हाइड्राइड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अगले ही पेज पे बताया था कि
एचएफ से ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है आई माइनस वो ज़्यादा स्टेबल है कम्पेयर टू एफ माइनस। पर यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा उतनी एसिडिक होनी चाहिए एचएफ। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। क्यों? देखिए, एसिडिटी दो कंसेप्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेकंड है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किसे बोलेंगे? सपोज मेरे पास कोई एक एटम है, इस पर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा उतनी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी इसकी। मतलब कि साइज जितनी एटम की ज़्यादा उतनी चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे I माइनस है, उसकी साइज़ F माइनस से काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज होगा पूरा अपने एटम पे स्प्रेड हो जाएगा, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और ये बहुत ही छोटा है तो इसलिए इतना ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा पूरे एटम पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो सिर्फ खींचा रहेगा पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा एटम पे, इसलिए ज़्यादा स्टेबिलिटी I माइनस की है F माइनस से। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज डेंसिटी क्या है। तो चार्ज नेगेटिव चार्ज या फिर कोई भी चार्ज, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब कि चार्ज डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतनी कम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो चार्ज डेंसिटी ऑन एटम और आयन डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो यहाँ पे जो आई माइनस है उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगी और उससे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा वो मैंने समझाया, वो आ गए। नेक्स्ट है जो ग्रुप है हमारे 14, 15, 16 एंड 17, इनके जो हाइड्रेट्स हैं उनकी एसिडिटी और कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज होगा, मगर ये सब एक ही पीरियड में है तो साइज़ का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट डिफरेंस किसका आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम नाइट्रोजन, फिर उससे कम कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना वो अपने पर इलेक्ट्रॉन खींचे रखेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। ओके, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, एटम की साइज़ इंक्रीज हो रही है। जितनी ज़्यादा एटम की साइज़ उतना ही उस पर चार्ज कम आएगा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी। इसलिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो भी एसिडिटी इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो देखिए लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियोरी के अकॉर्डिंग एसिड है वो H प्लस डोनेट करेगा, बेस है वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। ओके, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसे बोलेंगे, जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो, मतलब ज़्यादा स्टेबल हो, और वीक एसिड किसे बोलेंगे, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कि स्टेबिलिटी उसकी कम हो। जैसा कि देखिए CH4 है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH3- जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा, तो वो क्या करेगा, फिर से प्रोटॉन खींच लेगा, इसकी वजह से वो क्या होगा, वीक एसिड हो जाएगा। ओके, तो मतलब कि वीक एसिड होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े उसके एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए CH3OH, CH3NH2 एंड CH3SH है, इनको हमें एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट है OH, देन NH2 एंड देन SH। तो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। ओके, तो देखिए ये जो है दोनों एक ही ग्रुप के हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, फिर यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे नाइट्रोजन। मतलब सबसे पहले क्या होगा एसिडिक, ऑक्सीजन बिफोर नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन से पहले कौन होगा एसिडिक, सल्फर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3, 1, 2।
ओके नेक्स्ट है H2O NH3 H2S, सिमिलर ही कंसेप्ट है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 3 1 2। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी HBHA HC, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सल्फर के साथ जो जुड़ा होगा, क्योंकि इसकी साइज़ ज़्यादा है, एटम की साइज़ ज़्यादा होगी, तो क्या होगा निगेटिव चार्ज अच्छे से स्प्रेड हो सकेगा, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से एसिडिक होगा एसिड पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए। ओके नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, साइज इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, रीजन क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम, तो आंसर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, आई माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस, फिर एफ माइनस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी एच थ्री माइनस, ओ एच माइनस, एन एच टू माइनस, एफ माइनस, यहाँ पे ये जो है एफ माइनस, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, तो आंसर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, एफ माइनस, फिर उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की, फिर उससे कम है नाइट्रोजन की, फिर उससे कम है सी एच थ्री माइनस की, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लिविंग ग्रुप के, तो फ्रेंड्स जब भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिविंग ग्रुप के कॉन्सेप्ट, कि कौन सा ग्रुप लिव होगा, कौन सा नहीं होगा, और लीव कब होगा, कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो ये सभी कॉन्सेप्ट के लिए हमें लिविंग ग्रुप के कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप हम किसे कहेंगे वो सबसे पहले देखते हैं। ओके तो उससे पहले हम देखते हैं कुछ एसिड बेस के कॉन्सेप्ट। देखिए सपोज़ मेरे पास कुछ HA एसिड है, उसके रिएक्शन मैं बी बेस से करवाता हूँ, तो क्या होगा, जो ये बी माइनस है वो प्रोटॉन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा और ए माइनस बनेगा और बी एच बनेगा। सपोज़ मेरे पास HA एसिड है तो उससे जो बनेगा उसे बोलेंगे हम कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस से जो बनेगा उसे बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड। तो जो जितना स्ट्रॉन्ग ज़्यादा एसिडिक होगा, सॉरी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो बहुत ही अच्छा स्टेबल होगा, तो उसका जो वो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ओके तो सपोज़ मेरा ए गुड लिविंग ग्रुप है, तो वो गुड लिविंग होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो उस सबसे पहले तो वो होना चाहिए कॉन्जुगेट बेस, बट कैसा, वीक। ओके और जो ए माइनस है इसका जो एसिड होगा एच ए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, इसलिए गुड लिविंग ग्रुप के लिए जो इसका जो एसिड बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वो इजीली जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो इजीली लिव कर पाएगा। ओके तो कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेज, तो वो क्या हो गया, उसकी गुड लिविंग ग्रुप होने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। ओके तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया कि जितना माइनस चार्ज वाली स्पीशी जितनी स्टेबल उतना एसिडिक ज़्यादा होगा उसका एसिड, और उतनी ही लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, आई माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस, फिर एफ माइनस, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा। यहाँ पे देखिए अगर आपको स्टेबिलिटी एनायन की समझ में नहीं आता तो क्या करिए, आप उसका एसिड बना दीजिए, और जितना ज़्यादा जो एसिडिक होगा उतना ही ज़्यादा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका एसिड क्या होगा, SCOH एसिटिक एसिड, इसका क्या होगा, फिनॉल, और यहाँ पे C2H5OH। तो देखिए आज जैसा कि हमें पता है कि ये एसिड है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो यही होगा, और जितना ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही वीक होगा और उतना ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, वन नंबर, गुड लिविंग ग्रुप भी वन नंबर होगा, देन टू नंबर, देन थ्री नंबर। ओके तो ये होगा लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी का ऑर्डर। ओके सिमिलर यहाँ पे भी HCl, इथेनॉल एंड फिनॉल, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो एसिड है HCl वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, तो जो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा बहुत ही वीक होगा, बहुत ही स्टेबल होगा, तो गुड लिविंग ग्रुप भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे Cl- सबसे ज़्यादा अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, देन फिनॉल,
मतलब पीएचओ माइनस देन ओईटी माइनस, तो ये होगा लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी का ऑर्डर। ओके, और ये जो हम लिविंग ग्रुप के कॉन्सेप्ट सीखे उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो नेट गेट और जेम के क्वेश्चन होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इनका एप्लीकेशन हम कैसे ढूंढेंगे वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है उसकी रिएक्शन में करवाता हूँ ये कंपाउंड से, और देखिए इस पे दो लिविंग ग्रुप है, एक बी आर है और सी एल है, और इसकी मैं अगर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता हूँ तो देखिए सबसे पहले स्टेप में कौन निकलेगा वो देखते हैं। तो देखिए ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है इसने अटैक किया, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर गई, फिर नीचे आई, अब यहाँ पे आइदर सी एल निकलेगा और बी आर निकलेगा, और जैसा कि मैंने बताया कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी मतलब जो बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा वो निकल जाएगा पहले। तो यहाँ पे देखिए बी आर गुड लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू सी एल, तो कि यहाँ पे कौन से निकलेगा फर्स्ट स्टेप में, कौन निकलेगा बी आर, फिर नेक्स्ट स्टेप में कौन निकलेगा क्लोरीन। ओके, अगर नेक्स्ट स्टेप हुआ तो क्लोरीन निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये लिविंग ग्रुप के कॉन्सेप्ट भी काफ़ी बार टू मार्कर में पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल पे, अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर क्या होगा यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, सी एल माइनस एंड ओ ई टी माइनस, और जैसा कि एच सी एल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस है सी एल माइनस वो ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो यहाँ पे कौन निकलेगा क्लोरीन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी ई टी ओ सी डबल बॉन्ड ओ एन यू। ओके, तो ये मेरी प्रोडक्ट हो जाएगी। ओके, चलिए इससे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो मेरा है बेंजोइक एसिड उसकी रिएक्शन में इस कंपाउंड से करवाता हूँ, तो देखिए इसमें दो लिविंग ग्रुप है, सी एल माइनस भी है और ओ एम ई भी माइनस है, तो यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप कौन है सी एल माइनस, तो मेरा फर्स्ट स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगी तो ये मेरी फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बनेगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये जो मेरा है एन एच टू माइनस वो कहाँ पर रिएक्शन करेगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये जो है इसके साइड में दो ऑक्सीजन है और ये है वो कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होगी और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमारी प्रोडक्ट बनेगी ये। ओके, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रिएक्शन इलेक्ट्रो डेंसिटी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी और यहाँ पे लिविंग ग्रुप दूर होगा, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा। फिर एक एग्जांपल देखते हैं SN2 AE रिएक्शन का, तो देखिए काफ़ी बार टू मार्कर क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि जो ग्रिग्नर्ड रिएजन हम यूज़ करते हैं उसके कितने इक्विवेलेंट यूज़ हो गए। तो देखिए सपोज़ मेरे पास कोई एसिड का डेरिवेटिव है तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा उसमें R- माइनस अटैक करेगा कार्बोनिल पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी यहाँ, और यहाँ से लिविंग ग्रुप दूर होगा, तो ये बनेगा। अभी भी देखिए ये कीटो ग्रुप है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, वो क्या करेगा फिर से जो R- होगा वो फिर से अटैक करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चले जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे आगे कुछ रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या होगा जो सेकंड स्टेप होगा वर्कअप उसमें क्या होगा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए इसमें हमने कुल कितने इक्विवेलेंट यूज़ किए, देखिए फर्स्ट मोलिक्यूल यूज़ किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेकंड मोलिक्यूल यूज़ किया। ओके, तो यहाँ पे कितने हो गए इक्विवेलेंट, कितने यूज़ हो गए टू इक्विवेलेंट यूज़ हो गए ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ, अगर लिविंग ग्रुप n है तो टोटल इक्विवेलेंट कितने यूज़ होंगे n प्लस वन। ओके, देखिए यहाँ पे कितने हैं वन लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे कितना यूज़ होगा आर एम जी एक्स टू इक्विवेलेंट। देखिए कैसे, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा R- अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाएगी नीचे आएगा और यहाँ से ले होगा Cl तो क्या बनेगा कीटो ग्रुप। अभी भी देखिए इलेक्ट्रोफिलिक है तो फिर क्या होगा दूसरा R- इस पर अटैक करेगा फिर यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल जनरेट करेगा।
तो फिर इसके बाद कुछ होगा नहीं, तो वर्कअप से क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इक्विवेलेंट, सेकंड इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट यूज़ हो गए। ओके तो इसमें होगा दो इक्विवेलेंट, इसमें देखते हैं। देखिए ये पूरा एक लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप कितने हैं, वन। तो आर एम जी एक्स के कितने इक्विवेलेंट यूज़ होंगे, टू। ओके यहाँ पे देखिए वन लिविंग ग्रुप, तो आर एम जी एक्स के कितने इक्विवेलेंट यूज़ होंगे, टू। यहाँ पे देखिए टू टू लिविंग ग्रुप, तो कितने जो होंगे आर एम जी एक्स, कितने चाहिए, थ्री इक्विवेलेंट। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आर माइनस अटैक करेगा, क्या बनेगा, ये एसिड क्लोराइड। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर से अटैक करेगा, एडिशन या एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, फिर से यहाँ पे कीटोन बनेगा। देखिए दो इक्विवेलेंट यूज़ हो गए। अब लास्ट, अब देखिए नेक्स्ट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है टर्शियरी अल्कोहल बनने के बाद, तो ये हमारे तीन इक्विवेलेंट यूज़ हो गए। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए दो लिविंग ग्रुप है, तो कितने इक्विवेलेंट यूज़ हो गए, तीन इक्विवेलेंट, और टर्शियरी अल्कोहल बना देगा। यहाँ पे देखिए दो लिविंग ग्रुप है, तो तीन इक्विवेलेंट आर एम जी एक्स के यूज़ होंगे, और सबसे पहले कौन लिव करेगा, जो फर्स्ट अटैक होगा आर माइनस का, वो यहाँ पे अटैक होगा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और यहाँ से फर्स्ट स्टेप में सी एल लिव करेगा, और सेकंड स्टेप में ओ ई टी माइनस, क्योंकि यहाँ पे सी एल माइनस वो ज़्यादा स्टेबल है और अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए सबसे पहले जाएगा सी एल। देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप कितने हैं, वन, क्योंकि ये साइक्लिक एस्टर है, तो यहाँ पे वन जो ओ है, ओ आर है, वो लिविंग ग्रुप है, तो इसमें वन लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट यूज़ होंगे, टू इक्विवेलेंट। देखिए कैसे आर माइनस है, अटैक, एडिशन, एलिमिनेशन, और ये रिंग ओपन हो जाएगी, यहाँ पे एल्डिहाइड, सॉरी यहाँ पे कीटोन बनेगा, और फिर कीटोन पे फिर से आर एम जी एक्स की रिएक्शन होगी, तो दो स्टेप में रिएक्शन होगी, और यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा यहाँ पे, और ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, दो अल्कोहल बनेगी यहाँ पे। ओके देखिए यहाँ पे आर एम जी एक्स, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है, तो कितने इक्विवेलेंट यूज होंगे, दो। आर माइनस अटैक करेगा, एडिशन, एलिमिनेशन, तो क्या होगा, जो है हमारे पास, ओके तो यहाँ पे हो जाएगा आर आर ओ एच, और यहाँ पे हो जाएगा ओ एच। ओके कुछ प्रॉब्लम है शायद, ओके ओके तो देखिए इसमें दोनों साइड, ये दोनों एक ही साइड है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आर आर ओ एच एंड यहाँ पे ओ एच, तो ये दोनों स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों की सेम साइड ही रहेगी। ओके क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप है वो सेम साइड है, तो यहाँ पे भी सेम साइड ही स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी। ओके नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिविंग ग्रुप, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आर माइनस अटैक करेगा, एडिशन, एलिमिनेशन, ओके तो क्या बनेगा, ओ एम जी एक्स। ओके ये फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सी डबल ओ माइनस है और कीटोन है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिएक्टिविटी समझाई थी कि कीटोन की ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे अटैक होगा और क्या बनाएगा, आर आर एंड ओ एच, फिर वर्कअप होगा, फिर उसके बाद साइक्लाइजेशन होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो है दो आर ग्रुप आ जाएंगे और ये ओ निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगी, और इक्विवेलेंट जितने होंगे आप देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप ये फर्स्ट हुआ, फिर सेकंड, तो यहाँ पे दो हुए, दो इक्विवेलेंट यूज़ हो गए, यहाँ पर भी दो इक्विवेलेंट यूज़ हो गए आर एम जी एक्स के। यहाँ पे देखिए आर माइनस, फर्स्ट एडिशन, एलिमिनेशन, ओके फिर यहाँ पे ओ एच हो गया और यहाँ पे कीटोन बन गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल यूज़ होगा आर एम जी एक्स का, तो यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट यूज़ हो गए, दो, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो होगा प्रोडक्ट बनेगा टर्शियरी अल्कोहल। ओके चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आर एम जी एक्स कंज्यूम्ड बाय द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे लिविंग ग्रुप कितने हैं, दो, दो लिविंग ग्रुप है, ओके एक कार्बोनिल पे कितने हैं, देखिए ये इस कार्बोनिल की बात करें, यहाँ पे इक्विवेलेंट, सॉरी एक लिविंग ग्रुप है, तो इस पे कितने इक्विवेलेंट यूज होंगे, दो, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट
फर्स्ट एडिशन एलिमिनेशन में जाएगा, फिर उसके बाद कीटोन बनेगा, फिर उसको फिर से एक इक्विवेलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन शॉर्ट टोटल कितने होंगे इक्विवेलेंट यूज़, यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट। सिमिलर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे दो आर एम जी एक्स यूज़ होंगे, यहाँ पे भी एक लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे भी 2 RMGX इक्विवेलेंट यूज़ होंगे, तो टोटल 4 इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखिए कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे 1 RMGX यूज़ होगा और यहाँ पे 1 RMGX, टोटल 2 RMGX। ओके देखिए इसमें 1 RMGX, यहाँ पे देखिए 1, फिर यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन होगा, फिर यहाँ पे फिर से कीटोन बनेगा, फिर यहाँ से फिर से R, मतलब यहाँ पे 2R, मतलब 1 + 1 + 1 3 हो गए, फिर यहाँ पे 1 + फिर 1 R- एडिशन एलिमिनेशन, फिर नेक्स्ट R-, तो फिर 2, तो टोटल कितने हो गए 5 इक्विवेलेंट। ओके यहाँ पे देखिए R- एक ही अटैक होगा, एक यहाँ पे देखिए एक लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 यूज़ होंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए एक लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक ही लिविंग ग्रुप है, फिर यहाँ पे 2 यूज़ होंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट 1, ओके 1 हो गए, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, मतलब यहाँ पे 3 होंगे, तो मतलब टोटल कितने हो 3, 2, 5, 5 + 2, 7 + 8 एक इक्विवेलेंट इस एग्जांपल में यूज़ होंगे। ओके तो आज के लिए इस बस इतना ही। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि जितना ज़्यादा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होता उतनी ही अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम GOC को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही हम रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, वो सभी आगे हम पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम GOC को अच्छे से ख़त्म करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। ओके तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग अगेन।